फाइंड इन योर लाइफ। और लिटरली दो तीन नाम है जो मेरे अभी मैंने भी अपनी आंखों के से गुजरे हैं मैचेस के अंदर, वो मैं थोड़ी सी अपडेट देना चाहता हूँ। सरफराज अहमद शहजाद, ये दो नाम मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं मोटिवेशन करते हैं कम बैक की सूरत में। क्योंकि अगर आप अभी अहमद शहजाद की बैटिंग देखें, जो उनका लाहौर का मैच हुआ है डोमेस्टिक के अंदर, और उन्होंने जो है वो उनको 139 कुछ टारगेट मिला था और उनको रन रेट अपना बेहतर करना था, तो अहमद शहजाद ने 81 रन आई थिंक 44 बॉलों पे बनाए हैं और बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो इस तरीके से लीग के अंदर खेलना है नेशनल लीग के अंदर। और ये होता है कम बैक के लिए जज्बा, ये होता है कम बैक के लिए आपका जुनून और आपकी जो है वो डेडिकेशन। और यही चीज़ जो है सरफराज के अंदर भी दिखती है कि वो जिस तरीके से डोमेस्टिक को तरजीह देते हैं और कोई भी मैच मिस नहीं करते, 3 साल से आई थिंक लगातार वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, कोई भी मैच मिस नहीं करा ऐसा उन्होंने खास। और तो ये जज्बा ही जो है ना आपको बताता है कि यार अगर आप डेडिकेट हैं किसी चीज़ के लिए, डेडिकेटेड हैं, तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है, आपको रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना। और यही अहमद शहजाद के अंदर देखने को भी मिला और यही सरफराज के अंदर भी देखने को मिला। और यही चीज़ जो है वो जो हमारे सो कॉल्ड टेलीविजन के ऊपर बैठे होते ना, आमिर और इमाद, ये सब जो बोल रहे थे कि हम लीग नहीं खेलेंगे, हमें जो है वो छोटी चाहिए, शुएब मलिक जो है वो बोलते छोटी चाहिए, तो इनको भी छोटी नहीं है भाई, लेकिन फिर भी ये खेल लें। तो थोड़ा सा ना फिर ये यंगस्टर्स को यही जो है वो थोड़ा सा हौसला दे रहे होते हैं, यही चीज़ यंगस्टर्स को हौसला दे रही होती है कि यार आपको अपनी मेहनत करनी है, बाकी सिला अल्लाह पे छोड़ देना है। अगर सब लोग यही सोच के बैठे ना मुझे छोटी दो तो कोई भी ना खेले नेशनल और वो जो ना सब ऐसे भूखे मर जाएं। सो ये चीज़ जो है ना होनी चाहिए और ये चीज़ सरफराज और अहमद शहजाद में मुझे देखने को मिली है। उमर अकमल इसके बरस जब वो बोलते तो वो थे कम बैक करेंगे, लेकिन उनकी फिटनेस और जो देख के मैं बोलता हूँ कि उन्होंने अपने करियर को बर्बाद कर दिया, हालांकि बहुत अच्छे बैट्समैन थे। इमरान नज़ीर तो की तरह तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इमरान नज़ीर से कम भी नहीं थे, बट अच्छे बैट्समैन थे नो डाउट। सो या इन दोनों को देख के ही जो है वो मैं बोलता हूँ कि आपको जो है वो आप रिज़ल्ट की फिक्र मत करें, अपनी मेहनत करें, रिज़ल्ट आपके हक में ही आएगा आखिर के अंदर इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा होगा। सो मोस्ट लाइकली सरफराज तो कमबैक कर ही चुके हैं टेस्ट के अंदर, अहमद शहजाद को भी मैं देखना चाहता हूँ वनडे के अंदर या T20 के अंदर, और इंशाल्लाह ताला वो दिन आएगा कि हम दोबारा उनको कम बैक देखेंगे। आप लोग भी प्रेयर करें और हम लोग, मैं भी कर रहा हूँ, और पाकिस्तान टीम मिले जो बेहतर हो वो हो। सो इन दिस वीडियो वी ऑल हैव दैट, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।